अस्सलाम वालेकुम, दी मेमन टीवी के साथ मैं हूँ अली गोडल। और जैसे आप देख रहे थे इस वक्त सर आदम जी पार्क की आज सेरेमनी रखी गई थी, जयपुर में एसोसिएशन की जानिब से गेट टुगेदर था। तो हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो स्क्रीन पे नहीं आती, हम हमेशा इनको ज़बरदस्ती लेकर आते, क्यों कि ये हमारे जयपुर कम्युनिटी का एक नाम है, बैकबोन है, और इनकी खिदमत हमेशा वो चाहते हैं। कोई भी काम हो वो कभी भी खुल के नहीं करते, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दौर है सोशल मीडिया का, तो रज़ाक भाई लोगों को, यूथ को हमारे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना, रज़ाक भाई क्या कहेंगे आज इस पार्क के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं सबका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ लोग आए हैं मेहमान हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये देरी न ख्वाहिश पूरी कर दी कि जब हम यहाँ देखते थे कि यहाँ पर कचरा कुंडी बनी हुई भी और बस ऐसी बनी हुई थी कि सारा अड़ोस पड़ोस जितनी बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर, वो यहाँ से बेचना भी चाह रहे थे तो मकान नहीं बिक रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये बना है तो इनके शायद 50-50 लाख रुपये उनकी वैल्यू बढ़ गई है। तो मैं एक हट के बात करूँगा अहलिया ने मौला यहाँ के रिहायशी से कि भाई यहाँ पर कुछ कचरा मुझे नज़र आया अभी थोड़ी देर पहले, तो उनको चाहिए कि इनका ख्याल करें। देखो हम तो पूरा करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन आप लोग का ही फर्ज बनता है। बाकी रहा, मैं रोग भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें माशाल्लाह इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप इसको संभाल लें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी के प्रेसिडेंट साहब ने जब भी कहा कि ठीक है यार, ये सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं, और इसको फिर हमने अल्ताफ़ साहब को इसको चेयरमैन बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह इस गार्डन के लिए इनको चेयरमैन बनाया, और इसके साथ टीम भी दे दी इनके, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो गार्डन है मेरे ख्याल से फेडरल एरिया में सबसे खूबसूरत गार्डन है, और आसिफ भाई ने अभी बहुत अच्छा जिक्र किया कि ये कह सकते हैं कि डिफेंस का पार्क है, ये डिफेंस वाला पार्क है। और जो अल्ताफ़ भाई ने हमारा काम किया है, वाकई में अपना घर वाला काम किया है, इन्होंने जितनी मेहनत अपने घर भी की है इतनी मेहनत यहाँ भी की है, इनके साथ साथ हमारी टीम में जो भी वर्कर थे सबों ने बहुत मेहनत की है। ये शहजा अल्ताफ़ भाई तो जाता है, लेकिन हमारे कमेटी के बंदों को भी जाता है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अल्लाह पाक ने, हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ये तोहफा दिया, और ये ख़ास करके तोहफा दिया इन इलाकों वालों को जो सारी बरादरी यहाँ रिहायश पजीर है और सब इसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसे अफादियात हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, और इंशाल्लाह इस तरह के काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी, खास करके जयपुर बरादरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह ताला इससे भी अच्छे काम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह और मज़ीद हमारे प्रोग्राम बन रहा है इंशाल्लाह ताला। रज़ाक भाई दी मेमन टीवी के लिए एक बात, दी मेमन टीवी के लिए मैं कहूँगा माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अलीगढ़ी को पता नहीं टैलेंट दे दिया है, कहाँ से आ गया इनके अंदर जो हमें नज़र नहीं आ रहा था, तो माशाल्लाह जब से ये काम संभाला है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो तारीफ़ करने का मकसद ये होता है कि चापलूसी करनी, लेकिन मैं सचमुच नहीं, ये मैं सच बता रहा हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको भी इज्जत दे दी, और आपने जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक इसकी कभी भी रगह नहीं जाती, और इसका फल जैसे आसिफ भाई ने कहा आप नहीं खाओ तो आपके बच्चे खाएंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक को मुबारक करे, रात चुकनी अल्लाह पाक आपको तरक्की अता फरमाए।